असलम एंड वेलकम टू माई चैनल अगेन नाउ वी विल डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लान देयर आर थ्री काइंड ऑफ मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज इन प्लान्ट एंड दीज आर एपिकल मेरिस्टैम इंटर कैलरी मेरिस्टैम और लेटरल मेरिस्टैम एपिकल मैरिस्टैम्स एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर प्रेजेंट ऑन द एपिस रूट एंड शूट एपिसीज क्या होती हैं एपिसीज टिप कहलाती हैं यानी कि ये वो आपके पास मैरिज होते हैं जो ज़्यादातर रूट और शूट टिप ऑफ अ प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं या आप लीव के टिप पे भी होंगे ठीक है सेल डिवीजन में हेल्पफुल हैं जाहिर सी बात है एपिकल कल जो हैं वो प्राइमरी मैरिज फॉर्मेशन कर रहे हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो सेल डिवीजन एंड सेलुलर एनलार्जमेंट जो हो रही होगी इन एरियाज के अंदर वो रिजल्ट करती है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ़ द प्लांट पे ठीक है ये मेरिस्टेम्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ से जहाँ से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है जब ही ये एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्राइमरी ग्रोथ शो कर रहे होते हैं प्लांट की इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सटेंशन एंड इंक्रीमेंट इन द प्लांट बॉडी ऑल्सो यानी कि अगर सेल की इंक्रीमेंट हो रही है जाहिर सी बात है अगर सेलुलर इलाजमेंट हो रही है तो सेलुलर एक्सटेंशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं और अगर सेलोअर इनक्री एक्सटेंशन हो रही है तो ओबियसली इंक्रीमेंट होगा यानी कि इंक्रीज इन बॉडी आपको नज़र आएगा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडिजेस यानी कि साइड की जो अपेंडिजेस हैं लाइक लीव्स और फ्लोरल पार्ट्स वगैरह की जो ग्रोथ हो रही है वो भी ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टैम हो रही है ठीक है इसके अलावा यू कैन सी द हिस्टोलॉजी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम दिस इज द रूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम रूट में आप देख लीजिए ये आपके पास जो येलोइश पोर्शन है ये आपका प्रो कैम्बियम कहलाता है इसके बाद ग्राउंड टिश्यूज हैं आपके पास साइड्स में जो आपकी लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोटोडम यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है दिस इज़ दी शूट एपिकल मेरिस्टेम और दिस इज दी लाइ लीव प्राइमोरडिया और लीव प्राइमोर्डिया जो है यहाँ से लीव जो है वो अराइज़ होता है इसी तरीके से अगर आप रूट की आ, बात करें तो रूट की टिप ट पर तो रूट कैप प्रेजेंट होगा ठीक है रूट की टिप पे तो रूट कैप प्रेजेंट होगी उसके बाद जो सेल जो होंगे वो एपिकल मेरिस्टेम के होंगे और फिर वो सेल जो है वो अगर एलोंगेशन शो कर देंगे तो वो सेल जो है वो ये देख लीजिए एलोंगेशन जो शो करें वो एज़ कम्पेयर टू एपिकल मेरिस्टेम में या बेसल मेरिस्टेम के अंदर जो सेल्स हैं उनसे इन हैं साइज में ठीक है अब बाकी यू ऑल्सो नो द स्ट्रक्चर ऑफ़ दी ये इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द रूट और ये कह लीजिए कि उसके अंदर आपको पता है कि फर्स्ट लेयर तो एपिडर्मिस होती है उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स या कॉल्टेक्स आ जाता है फिर एंडोडर्मिस की लेयर आती है एंडोडर्मिस इज़ सराउंडेड बाय uh, पेरीसाइकिल इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल के इन जो है वो वेस्कुलर बंडल होते हैं दैट इज़ द एंड फ्लोइंग ठीक है इसके बाद आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के अंदर सेकेंड पार्ट इंटर कैलरी मैरिज स्टैम्प इंटर कैलरली एज द नेम इंडिकेट दे आर प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स इंटर का मतलब ही यही होता है बिटवीन द नोड्स दो नोड्स के दरमियान ये एक नोड है ये दूसरी नोड है इन दो नोड्स के दरमियान में इंटर कैलरी मैरिज स्टैम्स प्रेजेंट हैं दीज आर पार्ट्स ऑफ द एपिकल मैरिज स्टैम और ये सेपरेट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द एपेक्स और टिप बाय परमानेंट इशूज और इंटर कैलरी मैरिज स्टैम का फंक्शन ये भी होता है कि मेजॉरिटी ये बेस ऑफ द इंटरनोट पर प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर ये मोनोकॉटिलीडनस स्टेम में आपको नज़र आते हैं लाइक ग्रासेस मिंट लीव्स वगैरह के अंदर और ये आपको अगर शुगर केन भी अगर आपको मोनोकॉटा शुगर केन अगर आप देखें तो उसके अंदर भी बीच में दो लाइंस आपको नज़र आती हैं तो दीज आर द इंटरनोड और उन इंटरनोड से हो सकता है कि कभी कभार लीफ अराइज़ हो या कोई बर्ड अराइज़ हो तो ये जो है उसकी बेस ऑफ द ये कह लीजिए नोट के ऊपर ये आपको नजर आएंगे ठीक है इम्पोर्टेंट रोल जो है ये प्ले कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड द फ्लावर्स क्योंकि लीव्स भी और फ्लावर्स भी यहीं से अराइज होता है और ये क्या काम कर रहा है इसका मेजर फंक्शन क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना ये फंक्शन जो है वो इंटर कैलरी मेरिस्टैम्प का होता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थर्ड पार्ट आपके पास आ जाता है लेटरल मेरिस्ट्रम्प लेटरल का मतलब है साइड वाइज तो ये ज्यादातर अब इंटर कैलरी जो है वो मेजोरिटी मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट है तो दीज आर प्रेजेंट इन दी डायटिलीडनस प्लांट्स और मेजोरिटी इन जिमनोज पम्पिक प्लांट्स और दे आर प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ जिमनोज पम्प में भी हो सकते हैं इंडोजम्प में भी हो सकते हैं ठीक है ज आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शीड्स इन देश के बाद जो है वो आपके पास जो लेयर आती है ठीक है जब सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें शो हो रही होती है और सेकेंडरी ग्रोथ जब शो हो रही होती है जब आपके पास वेस्कुलर बंडल फॉर्मेशन हो और बिटवीन द वेस्कुलर बंडल एक लेयर भी आ जाए दैट इज कॉल्ड एज द वेस्कुलर कैम्बियम तो ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन को शो कर रही होती है तो लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर जो है क्या हो रहा है कि साइड वाइज लेटरल साइड्स में इंक्रीमेंट होगा साइड में थिकनेस साइड स्टेम की फॉर एग्जांपल अगर स्टेम में ये प्रेजेंट है तो स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज करना स्टेम का डायमीटर या विथ को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज होता है और समटाइम्स जब एक थिक लेयर स्टार्ट हो जाती है आपको पता होगा बार्क फॉर्मेशन होती है तो वो भी सेकेंडरी टिश्यू को शो कर रही होती है बार्क की एक लेयर बहुत वुडी जो हार्ड स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर एक थिक लेयर आ जाती है तो वो भी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट को शो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन थिकनेस ऑफ द रूट एंड स्टेम और ये मेजोरिटी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट को शो कर रहे होते हैं दीज मेरिज स्टैम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइव एपिकल से ही हो रहे हैं क्योंकि एपिकल सबसे पहले एम्ब्रियनिक स्टेज के बाद एपिकल मेरिस्टैम होता है फिर इंटर कैलरी और फिर सेकेंडरी जो है वो आपके पास मेरिस्टैम फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे तो एपिकल मैरिस्टैम के बाद एम्ब्रियनिक लाइफ के बाद एपिकल मेरिस्टैम और फिर इनमें जो डाकोड प्ला, प्लांट, डॉटिलीडनस प्लांट होंगे उनमें सेकेंडरी मेरिस्टैम फॉर्मेशन हो जाएगी तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी सेकेंड्री टिशूज़ और सेकेंडरी टिशूज़ आपका कौन शो करेगा जायलम और फ्लोइम अगर प्रेजेंट ये दोनों और इन दोनों के दरमियान में वस्कुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट है तो दिस इज दी साइन ऑफ दी सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन इन प्लांट अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के अंदर थ्री फेजेस भी होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर लाइक एंजोसपम अगर इंक्रीज हो रहा है लेंथ के अंदर ओनली एट एट एपीसीज ऑफ द रूट एंड शूट्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज थ्री रीजनस तो यहाँ पे थ्री फेजेस भी आ जाएंगे एक होता है फॉर्मेटिव फ़ेज वन इज़ कॉल्ड एज दी अलोंगेशन फ़ेज एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज द मेचुरेशन और डिफ्रेंसी फ़ेज फॉर्मेटिव फ़ेज वो कहलाता है बेटा कि दिस इज रिस्ट्रिक्टिड टू द टिप ऑफ द रूट एंड शे टिप जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेल्स हो रही है जहाँ पे डिवीजन और रीडिवीजन हो रही है सेल्स की तो वेयर द सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड यानी कि मैरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जो एपिकल में हैं वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सेल का सेल बन रहे हैं और सेल की इंक्रीमेंट चल रही है तो फॉर्मेशन हो रही है ना इसका मतलब है न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं तो दिस फेज इज कॉल्ड एज द फॉर्मेटिव फेज बिकॉज सेल्स आर क्लोजली पैक टुगेदर एंड दे हैव थिन सेलुलोज वॉल और ये जो फॉर्मेटिव फ़ेज के जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्स होते हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और उनका न्यूक्लाय भी लार्ज होता है एलोंगेशन फेज के जो सेल्स होते हैं वो आफ्टर दी फॉर्मेटिव फ़ेज़ जो है वो एलोंगीशन फ़ेस आ जाता है और एलोंगेशन फ़ेज़ के सेल्स जो होते हैं एज़ कंपेयर टू फॉर्मेटिव सेल्स फेज थोड़ा सा एलोंगीट होते हैं थोड़े से इंक्रीज़ कर जाते हैं साइज़ के अंदर और यहाँ पे सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड और रीडिवाइड करें सेल्स जो होते हैं वो मैक्सिममली लार्ज हो जाते हैं एलोंगेट हो जाते हैं एंटिल दे रीच दे मैक्सिमम साइज और इतना एलोंगेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है और इतना जब तक मैक्सिमम साइज़ पे नहीं पहुंचेंगे ये एलोंगेट करते रहेंगे इन द रूट द रीजन ऑफ एलोंगेशन एक्सटेंड ओवर अ फ्यू मिलीमीटर और इन स्टेम ओवर अ फ्यू सेंटीमीटर कुछ फ्यू मिली के अंदर रीजन ऑफ अलॉन्गेसन कंस करता है रूट्स के अंदर लेकिन स्टेम जाहिर सी बात है साइज़ इसका ज़्यादा होता है तो वो कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स पे ज़ोन ऑफ़ जोनफलंगेशन कंसिस्ट कर रहा होता है मैचुरेशन फेज वो कहलाता है जो बिन्नी दी एलोंगेशन फेज आ जाएगा या बिहाइंड द रीजन ऑफ द एलोंगेशन फ़ेज आ जाएगा यहाँ पे सेल्स की थिकनिंग भी हो गई है सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो गई है सेल्स बिकम एन लार्ज एंड एलोंगेटेड और मॉडिफाइड इन अ परमानेंट सेल्स सेल्स जो है वो इतने लार्ज हो गए एलोंगेट हो गए और अपनी मैक्सिमम साइज पर पहुँच गए हैं कि वो अपने परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे कोई डिवीजन और रीडिवीजन नहीं होगी दस दिस इज़ कॉल्ड एज दी मैच्यूरेशन फ़ेज एंड द सेल्स बिकम अडेप्टड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस और सेल्स जो हैं वो अब डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं तो देखिए फॉर्मेटिव फ़ेज़ इतना सा फ़ेज़ होगा फिर उसके बाद एलोंगेशन फेज आ जाता है ये रूट्स का बताया हुआ है और फिर मैचूरेशन फ़ेज़ आया हुआ है